नमस्कार कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हम पहुंचे हैं कैथल की शुगर मिल में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो चीनी आप खाते हैं वो कैसे बनती है, पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। क्योंकि जो किसानों की जो ट्राली है, गन्ना ट्राली यहाँ से आती है, आपको दिखा दें कि जो क्रेनों के माध्यम से यहाँ से गन्ना शुगर मिल के अंदर जाता है। और पूरी प्रोसेस के लिए जो इंजीनियर है उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो चीनी तैयार होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दिखाते हैं पूरी प्रोसेस की चीनी बनती कैसे है, कैसे प्रोसेस है, किस तरह से आपको बता देंगे लास्ट में जो पैकिंग होकर यहाँ से चीनी निकलती है। और इधर ये कटर लगा हुआ है, ये फाइबराइजर है जहाँ गन्ने के जो भी रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, वो सारे यहाँ हैमर लगे होते हैं, वो हैमर तोड़ता है, वो तोड़ के बिल्कुल बिल्कुल बारीक कर देता गन्ने को। ये टर्बाइनें लगी हुई हैं जो फाइबराइजर को चलाती हैं। ऐसे रेशे में आता है, बिल्कुल फाइबर हो जाता है गन्ना। मैंने बताया था आपको रोलर होते हैं, टॉप रोलर, फीड रोलर, डिस्चार्ज रोलर, वो ये है। ये अच्छे से यानी यहाँ से जब फाइबर आता है पूरा जूस निकाल देते हैं, प्योर जूस होता है यहाँ। और ये यहाँ जूस ये छनता है यहाँ जूस। ये स्क्रीन है जो जूस गंदा होता है ना उसे छाना जाता है, छन के पूरे ये टैंक जूस टैंक है इसमें आता है। ऐसी हमारी फोर मिले हैं, ये फर्स्ट मिल है, ऐसे ही ये सेकंड मिल है, थर्ड मिल है, फोर्थ मिल पे बिल्कुल सूखा सूखी बेगास होती है, कोई उसमें जूस के पार्टिकल नहीं होते, शुगर के पार्टिकल बिल्कुल नहीं होते। हाँ सेम बिल्कुल, ऐसे ही थर्ड मिल है, ऐसे ही फोर्थ मिल है। इधर हमारी टर्बाइनें हैं जो ये रोलर को चला रही हैं। ये केन कैरियर है जो गन्ने को लेकर ऊपर जाएगा, ये छूट में आएगा, छूट से फिर रोलर में आएगा सारा जूस। थर्ड मिल पे हम पानी और जूस दोनों मिक्स करते हैं, जो मैंने वहाँ भी बताया था आपको। यहाँ पे पानी मिक्स किया जाता है, ये करीब 80 टेम्परेचर रखते हैं पानी का, जिससे जो भी जूस के ट्रेसेस होते हैं वो निकल जाते हैं। वो नीचे बिल्कुल जूस का कोई भी शुगर का ट्रेस नहीं होता, बिल्कुल सूखी पैगास होती है। जूस का कोई भी यानी कोई भी पार्टिकल जूस का यहाँ फाइनल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से निकलने के बाद यहाँ से धीरे धीरे बिल्कुल जूस ख़त्म कर देते हैं। बॉयलर को जलाने के लिए, बेगास को जलाने के लिए होती है, एक ही चैन है वहाँ से यहाँ तक लंबी पूरी। बॉयलर को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं इसे। इसके बाद इसे बॉयलर में लेकर इसकी स्टीम बनाई जाती है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है टर्बाइनों पे, पावर टर्बाइन पे, बॉइलिंग हाउस में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो रस है वो किस साइड चला गया? वो उधर बॉइलिंग हाउस में, वो रस जो अलग निकल जाता है ये अलग निकल। टर्बाइने हैं, स्टीम जहाँ जहाँ स्टीम की ज़रूरत होती है, रस पकाने की ज़रूरत होती है स्टीम की, हाँ यही। ये अगर ये बॉयलर नहीं चलेगा तो मिल नहीं चलेगी। बॉयलर में इसी के अंदर यूज होता है, हाँ इसी से ही टर्बाइनें चलती हैं, इसी से ही मिल चलती है।
जैसे कहते हैं ना मिल की जान जो होती है वो बॉयलर, हाँ बॉयलर और हाँ निकला है जी जी एनर्जी पैदा करता है, हाँ एनर्जी है बिजली, हाँ अब दूध की लाइन ये आ रही है आपकी ग्रीन वाली है ना, ये दूध की लाइन है, जो भी दूध इकट्ठा हुआ है मिला उस पर अच्छा ये यहाँ ये ग्रीन वाली लाइन है, ये आगे गई है, वो दिखाता हूँ आपको, थोड़ी दूर चली गई दूध इधर आ गया, ये तो मैसिलेशन वाला पानी है जो वो लगा रहे हैं ना मिला उससे लगा रहे हैं गर्म पानी जी। ये तो वो है अच्छा, जूस तो अभी आगे जूस हीटर में जाता है सबसे पहले, जो जूस हमारे पास आया है उसको पहले गर्म करते हैं हम अच्छा। 70 डिग्री तक गर्म करेंगे उसको अच्छा। वो हाँ 70 डिग्री तक उसको गर्म करते हैं 70 डिग्री तक, हाँ 70। ये 5 जूस हीटर है हमारे पास, 5 जूस हीटर्स हैं नीचे, तो इनको हम दो स्टेज में चलाते हैं, एक तो जो सीधा जूस आया रो जूस कह देते हैं उसको, पहले उसकी हीटिंग करते हैं रो जूस की, वो 70 डिग्री तक गर्म कर लेते हैं, फिलहाल 65 तो 70 गर्म कर लेते हैं उसको, ये जहाँ 70 तक जाएगा उसके बाद बस नहीं 65-70 के बीच में रखते हैं इसको, मतलब एग्जैक्ट वो तो नहीं रख पाएंगे बिल्कुल 70 को 70, थोड़ा प्लस माइनस 5 तो होता ही है ठीक है। अब गर्म करने के बाद में इसमें हम मिल्क ऑफ लाइम चूना और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वो मिलाते हैं जिससे कि जूस अपना क्लियर जूस हमारा अलग हो जाए, इम्प्योरिटीज उसकी अलग हट जाए, वो इसमें लगाते हैं, हाँ वो जूस जूस इस टैंक में आया जो मिल्क ऑफ लाइम हमारा ऊपर से मिला रहे हैं इन लाइन से अच्छा जी, और गैस है वो नीचे से आ रही है, जब गैस हाँ एक ही टैंक है यार, एक नहीं दो स्टैंड बाई है, अगर एक ये है एक ये है, मान लो ये कोई ख़राब हो गया तो फिर इसको बंद कर देंगे ये चला लेंगे, हाँ अब जो जूस वहाँ पर आया है हमने इसमें गैस लगा दी और मिल्क ऑफ लाइम लगा दिया, वो यहाँ आ रहा है, हाँ वो यहाँ पे आ रहा है इस लाइन से हो गया रिसीविंग टैंक में जा रहा है, इसका क्या देखा जा रहा है यहाँ पे, ये जूस देखो फटेगा अच्छा फटता है यहाँ, हाँ हाँ देखो दिख रहा है फटता हुआ, फटता हुआ दिख रहा है, अब इसमें क्या होगा फटने के बाद में पकड़ो पकड़ो पीएच इसकी मेंटेन रखते हैं 7 के आसपास, अब इसमें फिर दोबारा इसको हीट करते हैं, ठीक है दोबारा इसको हीट करते हैं 105 टेम्परेचर के आसपास पर 105, हाँ उसके बाद इसको क्लेरिफायर है ये हमारी बॉडी, हाँ क्लेरिफायर में आता है, इसमें क्या होता है जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं बैठ जाती हैं, जो क्लियर जूस है वो ऊपर आ जाता है, जो मैंने चीज़ बताई उसको हम फिर विड्रॉ कर लेते हैं, जूस को विड्रॉ कर लेते हैं इधर, जो क्लियर जूस हमारा है वो ऊपर से निकालते रहते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है हाँ ये क्लियर जूस आ रहा है, और जो नीचे इम्प्योरिटीज़ बैठ गई मड कह लो उसको वो हम उस साइड निकालते हैं फिल्टर पे, वो टैंक उधर है मड वाला उसमें मिट्टी विट्टी या इम्प्योरिटीज या कलरिंग मैटर जो भी है सब इम्प्योरिटीज वो आ जाएंगे, इसके बाद जो मड आया है मड को क्या है वैक्यूम फिल्टर के थ्रू हम निकालते हैं, जितना जूस उसमें होगा शक कर लेंगे, जो इम्प्योरिटीज है या मिट्टी है वो केवल वो बाहर जाएगी, जो जूस आएगा उस जूस को दोबारा फिर रीप्रोसेस में ले लेंगे इसी में डाल के, और जो क्लियर जूस हमारा है प्योर जूस आ गया, हाँ प्योर जूस आ गया क्लियर जूस आ गया बिल्कुल,
अब ये हमारा है एवोपरेशन स्टेशन, ये तो सोडा बोलिंग है, ये एवोपरेशन स्टेशन है ये हमारा, जो जूस है उसमें पानी की क्वांटिटी बहुत होती है, मतलब वैसा होता है पानी की तरह का होता है, उसमें हमें पानी एवोपरेट करना है, तो एवोपरेशन स्टेशन है ये, इस पर पानी एवोपरेट करते हैं, हमारी बॉडी होती है जो हमने स्टीम मिलती है हमें टर्बाइन से, वो बॉडी में लगाते हैं, जूस आएगा पानी एवोपरेट हो जाएगा, उसकी वेपर जो निकलेगी वो अगली बॉडी में यूज़ करते हैं, मतलब कोई वो नहीं कि एक एक बार बॉडी हम ले ली वेपर उसी को यूज़ करते रहते हैं, और जितनी बॉडी हैं एक बार में हम 5 बॉडी चलाते हैं, ठीक है, तो उनको अल्टरनेट करते रहते, उसमें फिर पानी आपका एवोपरेट हो जाएगा और जूस इतना विस्कस हो जाएगा कि आपको सिरप की तरह लगेगा, गाढ़ा हो जाएगा, जब पानी निकल गया उसमें से तो वो विस्कस हो गया, आ जाओ अभी एयर बॉडी में गाढ़ा होता जा रहा है, इसमें हो गया, अब इसमें से नहीं नहीं अभी दाना नहीं बनेगा, अभी नहीं दाना बनेगा, अभी तो केवल गाढ़ा हो रहा है, इससे अगली बॉडी में आएगा, यहाँ गर्म होगा और गाढ़ा होगा, ठीक है, इसके बाद फिर हम सल्फाइटर में लेते हैं, अब वो पहले जूस था, अब इसको सिरप कह देंगे, बिस्कस हो गया है गाढ़ा हो गया ना, उसको सिरप बोल देते हैं, अब वो सिरप को इसमें लेते हैं टैंक में, हाँ नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है जो सिरप, सिरप है वो, हाँ वो सिरप गाढ़ा हो गया है, लेकिन वो काले रंग का होता है, इसको ब्लीच करते हैं सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड लगा के, जो काले वाली लाइन आ रही है ना, ये इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की लाइन है, ब्लीच करके सुनहरा हो जाता है, गोल्डन सुनहरा, गोल्डन कलर का हो जाता है, अब इस सिरप को ऊपर पैन पे भेजते हैं, पैन स्टेशन, जहाँ पे ग्रेन फॉर्मेशन होगा, ऊपर चलेंगे, तो यहाँ तक तो हमने जूस को गाढ़ा किया है, हाँ सिरप बन गया, जूस का सिरप बन गया, अब उस सिरप को पैन में लेते हैं, हाँ यहाँ पे आता है, यहाँ पे जब बॉइलिंग होती है तो उसमें जो सुक्रोज के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं, जितने सुक्रोज के पार्टिकल डिपॉजिट होंगे उतना ही दाने का साइज बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ से दाना बनना शुरू हो गया, यहाँ शुरू, यहीं बना के भेजेंगे पूरा उसको, अब जितना भी मान लो हमें दाने का साइज रखना है उतने हम चलाते रहेंगे इसको, हाँ इसी में होगा, जूस में ये होता है, जूस की प्रॉपर्टी होती है कि जो सुक्रोज के पार्टी होते हैं ना, सुक्रोज अपने ऊपर डिपॉजिट करता है एक के ऊपर एक, तो जो भी इसमें रस में सुक्रोज के पार्टिकल हैं वो एक के ऊपर एक डिपॉजिट होने लगते हैं और ग्रेन के रूप में आपको दिखाई देने लगते हैं, जितना बड़ा आपको करना है उतनी देर तक चलाओ उसको, उतना ही बड़ा होता जाएगा, जब आपका रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, ये चीनी बन गई, हाँ ये चीनी बन गई आपकी, इसमें मैस्केट भी है, मतलब इसको मैस्केट बोलते हैं, इसमें चीनी भी है और मोलासिस भी है, दोनों चीज़ें हैं, सिरा भी है चीनी भी है, अब ये मैस्केट है इसको हम, मतलब प्योर चीनी नहीं है ना इसमें, सिरा सिरा भी तो है इसके अंदर अभी, आओ नीचे चलते हैं, नीचे निकलते हैं, जहाँ इसको सिरा अलग करेंगे और ये शुगर किस अलग करेंगे, अब वहाँ से वापस नीचे आएगा, हाँ वहाँ से होते हैं नीचे क्रिस्टलाइजर, जैसे मान लो पेन तो एक बार भर जाएगा उसमें क्रिस्टल डेवलप हो गए, उसको हम स्टोर करेंगे क्रिस्टलाइजर में, उसके बाद धीरे धीरे फिर सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उसमें ले जाएंगे और वहाँ से मोलासिस सेपरेट करेंगे शुगर क्रिस्टल से, लास्ट में जो चीनी निकलेगी वो पैकिंग, बस हाँ वो बैक करेंगे फिर उसको, वो दिखा जो हमारी बैगिंग वाली शुगर है उसकी वो मशीन है ए सेंट्रीफ्यूगल मशीन, और ये 3 क्रिस्टलाइजर हैं, जैसे पैन हमारा डेवलप हो गया पैन भर गया तो उसके बाद इनमें माल ले लेते हैं सब, ड्रॉप कर देते हैं इन क्रिस्टलाइजरों में, हाँ
पेन स्टेशन, मतलब वहाँ से फिर नीचे आते आते आप यहाँ आएंगे? पहले इसमें आ गया, हाँ इसमें स्टोर कर लिया, वहाँ से फिर आगे गटर में से लेके मशीनों में, क्योंकि माल तो बहुत होता है, एकदम से सारा तो नहीं आ पाएगा, थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। अब ये माल जैसे गटर के थ्रू पग मिल में आ गया और पग मिल से मशीन में आएगा, वो मैस्किट जो ऊपर शीशे पे आपने देखा था वो इसमें आएगा। यार ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ऐसा काम है शुगर क्रिस्टल्स को और मोलासेस को सेपरेट करना, क्योंकि इसके आरपीएम बहुत होते हैं। और ये इसमें जाली होती है चारों तरफ आपकी, ये जो जाली है उसमें से मोलासेस, जो जाली है इसके अंदर उसमें मोलासेस को निकल जाएगा सीधा, तो और शुगर जिस तक यहीं रह जाते हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं होपर में। ये सेम तीनों सेम है, एक टाइम में दो चलती हैं। ये होपर है हमारा, जो वहाँ से माल गिर रहा है नीचे वो इस पर गिर रहा है। हाँ, इनके सबके मशीनों के जो डिस्चार्ज है इधर लगे हुए हैं, सब होपर पे गिरेगा माल यहाँ पे। लेकिन जो माल निकलेगा अभी ये ड्राई नहीं है पूरा, थोड़ा सा मॉइस्चर है जी। उसको सुखाने के लिए इसको होपर के थ्रू करते हैं, चलाते हैं, वो थोड़ी सी गर्म हवा वो भी अपना ब्लोअर से लगाते रहते हैं, जब तक ये वहाँ जाएगा ये काफ़ी सूख जाएगा। हाँ जी, इसके बाद वहाँ पैकिंग, इसके बाद नहीं अभी आओ। अब ये होपर से जो चीनी आई है ये कई साइज़ की होती है, बारीक मोटी कई साइज़ होते हैं इसके अंदर। हाँ, जैसे ये चीनी आ गई है, इसमें मोटा दाना भी है बारीक दाना भी है, ठीक है ना जी। अब इसको ग्रेडिंग करने के लिए ये एलिवेटर हैं दो हमारे लगे हुए, ये वो एलिवेटर ऊपर भेजते हैं जी। ऊपर ग्रेडर हैं जिनमें जाली लगी हुई है, वो हिलते रहते हैं जी। तो जैसे भी दाना उस पर आएगा वो मोटा दाना तो ऊपर रुक जाएगा, नीचे वाला नीचे निकल जाएगा। उसमें चार पांच जाली लगी हुई है, तो जिससे अलग अलग ग्रेड की चीनी है वो अलग अलग उसमें इकट्ठी हो जाएगी। और जो ये बारूद है, जो बारीक है वो वापस सीड में जाता है, इसको फिर और मोटा करेंगे, डेवलप करेंगे, इसी दाने को डेवलप करेंगे वो दोबारा प्रोसेस में। हाँ, जो बारीक दाना है इसी को और मोटा करेंगे पैन में ले जाके। ये कितने प्रकार के मतलब दाना है, कितने प्रकार का? ये हम दो तरह के पैकिंग कर रहे हैं, M30 और S30, मतलब मीडियम और स्मॉल। वैसे तो L भी होता है लेकिन L हम बनाते नहीं है, हम केवल ये दो बनाते हैं। तो जो पैकिंग होती है कितने किलो की होती है? वो 50 किलो की पैकिंग है हमारी, ये वेइंग मशीन लगी हुई है, इनसे एक बार में केवल 50 किलो ही आएगा। ये हाँ, ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें 50 किलो ही वेट आएगा चीनी का। ऑन ऑन कर दो एक बार, मीटर पर लगा हुआ है वो, वहाँ पे वेट है। हाँ, 50 किलो हो जाएगा, उतना ही निकाल के छोड़ देगा 50 किलो बस ऐसे ही। हाँ, ये चैन चलाते रहेंगे, ऐसे ही लगाते रहेंगे बोरा, फिर अगला लगा देंगे, अगला गिरा देंगे ऐसे। ये सिलाई कर देंगे इसकी, सिलाई करने के बाद फिर गोदाम में।